Bismillahirrahmanirrahim Asalaamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh. Welcome to EA English. Today we are going to do newspaper reading part 2 to develop your English skills. Okay, uh, today we are going to start from words. First we are going to read the words with the meaning and explanation, and then we shall start reading the news by using same words. So the first word is Ramit Matlab Rakam Bejna. अकॉर्डिंग टू फाइनेंस वी यूज दिस वर्ड जब किसी ने कोई रकम भेजनी हो जब किसी ने uh, जो रकम भेजनी उसको रेमिट बोलते हैं रेमिट यानी पैसे भेजना और रेमिटेंस बोलते हैं जो पैसे भेजने वाले होते हैं रेमिटेंस और जिनको पैसे मिलते हैं उसको बेनिफिशरी बोलते हैं रेमिट मतलब सेंड डिस्पैच फारवर्ड ट्रांसमिट कन्वे पे हैंड ओवर मतलब पैसे भेजना रकम भेजना मेच्योर को भी अगर हम कॉमर्स की जबान में लें तो फिर ये होता है कि अगर कोई पॉलिसी पैसे देने को आन पहुंची हो मतलब शराइ पूरी हो जाए जैसे हम एक इंसान को मेच्योर होने के लिए उसकी एज की होने की शराइ हैं उसकी और निशानियाँ होती हैं एडल्ट होना तो मेच्योर कामर्स uh, में औरल और फाइनेंशली और अगर हम मेच्योर बोलें तो मतलब उसकी पॉलिसी का मेचोर होना मकम्मल होना कोई मदत पूरी होना या कुछ शरात पॉलिस होती हैं वो पूरी होना पलमेट पलमेट का मतलब होता है नीचे गिरना जैसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ नोस डाइव फॉल डाउन डाइव यानी डाइव की एग्जांपल बड़ी स्ट्रॉन्ग सी है मैंने आप लोगों के लिए निकाल रखी है मैं आपको अभी देता हूँ ये रही इसको बोलते हैं नोज डाइव नोस डाइव मतलब आ, सर के बल गिरना नीचे को अगर कोई ग्राफ है कोई तरक्की है अगर वो नीचे को जा रही है तो वो डाउन हो रही है इतनी डाउन कि वो ना तो फ्लैट है ना ही वो किसी एंगल से है बिल्कुल आप कह सकते हैं नाइन्टी एंगल से नीचे गिर जाना किसी चीज़ का जैसे जहाज है नोस टाइप करता है मतलब इसके इस तरह से इम्कान ना हो कि ऐसे नीचे आ रही है बल्कि ऐसे नीचे आती हो या ऐसे नीचे आती हो या बिल्कुल ही नाइन्टी एंगल पर नीचे आ रही हो नोस टाइप नीचे गिरना अब इसका एक और इंटरेस्टिंग अमवात जो ग्राफ्ट डिफाइन करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए आ, अब एक चीज़ बढ़ती है एक चीज़ कम होती है जब हम किसी चीज़ के बढ़ने का बोलें कि फलां चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो हम ना सिर्फ इंक्रीज़ बोलेंगे जब ग्राफ के तौर पे कोई चीज़ ग्रेजुअली बढ़ रही हो उसके लिए आपको दो लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है एक तो उसकी वर्ब, कि वो बढ़ रही है और दूसरा वो किस तरह से बढ़ रही है वो एडजेक्टिव पहले तो, वो एडवर्ब पहले तो मैं इंक्रीजिंग के दूसरे वर्ड बताता चला जैसे rise बढ़ना इंक्रीज बढ़ना गो अपलिफ्ट रॉकेट रॉकेटेड क्लाइम अप सर्च सो शॉर्ट यानी कि ऊपर को जाना इम्प्रूव uh, jump लीप मूव अपवर्ड skyrocket सोअर और सर्च अप सर्च सर्च रॉकेट स्कायरकेट और मूव अपवर्ड यह होता है आप जब किसी चीज़ की अपवर्ड डिगरी uh, जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हो जब कोई चीज़ बढ़ रही हो अब वो किस तरह से बढ़ रही है uh, किस हद तक बढ़ रही है ड्रामेटिकली रैपिडली शार्पली अगर वो तेज़ी से बढ़ रही हो रोडली स्पीडली स्विफ्टली सिग्निफिकेंटली कंसिडरेबली साइजबली सब्सटेंशली नोटिबली ये उसके क्या हैं एजेक्टिव हैं यानी कि सिफ्त के तौर पे हम इनको, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं एडवर्क के तौर पे पर उनके बढ़ने का अंदाज़ अगर वो पैसिवली बढ़ रही हो जैसे स्लाइटली सी बढ़ रही है ये थोड़ी सी इतनी सी बढ़ी है अगर ये सिलसिला जारी रहे ऐसे तो वो बतरीच बढ़ रही हो तो हम बोलते हैं ग्रेजुअली बढ़ रही है यानी इन लफ्ज़ों के बजाय आप ग्रेजुअली का इस्तेमाल कर सकते हैं सो so, हम इसके लिए क्या बोलते हैं फ्लां चीज इनक्रीज़ कर रही है uh, जैसे अगर ये ट्रेंड है इस ट्रेंड को अगर हम इस क्राफ्ट को बोलें कि लोगों का इंटरेस्ट जो है रुझान शॉपिंग की तरफ बढ़ रहा है तो यह क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है शॉर्ट अप कर रहा है सर्च कर रहा है क्विकली कर रहा है जल्दी से स्पीड से कंसिडरेबली बहुत ही ज़्यादा बड़े मैसिवली कह सकते हैं आप जाए कैनटिकली भी कह सकते हैं कोई भी हद हाँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एडवर्ब इस्तेमाल करके और इसके बरक्स अगर कोई चीज़ कम हो रही हो लेट मी से डक्रीज हो रही हो जैसे फॉल हो रही है डक्रीज हो रही है डेकलाइन प्लमिट प्लन्च ड्रॉप रिड्यूस कोलेप्स और यहाँ भी हमने नोज डाइव का इस्तेमाल करना है फ्री फॉल टेक डाइव नोस डाइव को वर्ब चाहिए टेक की जैसे चाय है टी टी एक सिर्फ चाय है वाटर एक सिर्फ़ नाउन है नोस डाइव भी एक कह सकते हैं कि हमारे पास एक वर्ब नहीं है तो हम उसको वर्ब कैसे कन्वर्ट करेंगे टेक का इस्तेमाल करके स्लम स्लाइड तो ये मेन लफ्ज़ था नोज़ टाइप का जब कोई चीज़ कम हो रही हो तो वो नीचे जा रही होती है उसकी भी सिफ्त होती है उसकी भी एडवर्ब होती है किस तरह से नीचे जा रही है ड्रामेटिकली रैपिडली शॉर्पली क्विकली हॉर्डली स्पीडली माइल्डली आराम से जा रही है थोड़ी सी टेडली स्लोली यानी जब पैसिवली जा रही हो तो ये वर्ड्स जब अमेजिंगली uh, जा रही हो कंसिडरेबली जा रही हो सिग्निफिकेंटली तो फिर ऊपर वाले ओके लेट्स मूव बैक टू अवर रीडिंग हम बात कर रहे थे इन वर्ड्स की जैसे कि हमने पहला लफ्स पढ़ा रमिट फिर हम आगे थे मिच्योर uh, की तरफ जाते गए जब कोई चीज़ मुकम्मल हो प्लमिट जब कोई गिरे नोस डाइव ले फाल हो प्लच हो फिर क्रेडिटर होता है जो कर्ज देता हो पैसे देता हो उधार के तौर पे उसमें इंटरेस्ट होते हैं उसमें कुछ शराइत होती हैं उसमें वो ओ करता है और ऑनिंग कर रहा होता है डेफिसट सिंपल सी बात है कोई चीज़ कम हो जाना नुकसान में आना खसारे में आना और फ्लो एक ऐसी चीज़ जो ज़्यादा फ्लड में बाहर निकलती हो चाहे वो ज़ाया होती हो चाहे वो खुद निकाली जाए आउटफ्लो कहलाता है यानी कसरज रीपर्पस किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेना मतलब इसका भी फाइनेंशली तौर पे हम वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर आपको मैं कुछ पैसे दे के जाता हूँ उसके मैं आपको दस काम बताता हूँ कि अगर ये चीज़ हो तो इसके लिए इनको इस्तेमाल कर लेना इस फंड को इस काम के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता कोई जलसला आता है तो उसके लिए इस्तेमाल कर लिया जाए और अगर तो आ, कोई जैसे आउटब्रेक आई है उसके लिए भी आप इस्तेमाल तो एक रिपर्पज़ फंड भी दिया जाता है कि ये लो पैसे आपको मैं इतने बिलियन डॉलर दे रहा हूँ ये आपने रिपर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है इसका अभी कोई पर्पज़ बताया नहीं जा रहा मल्टीपर्पज़ है तो रिपर्पज़ किसी भी मकसद के लिए मोमेंट्री थोड़ा सा वक्त रिस्पाइट सा यानी ये दोनों वर्ड आप कह सकते हैं और जब हम किसी क्वांटिटी को बताना चाहें कि इतना टाइम है मोमेंट्री यानी शॉर्ट लिफ्ट पासिंग ब्रीफ थोड़े से वक्त के लिए मोमेंट्री यानी मोमेंट जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है लम्हा तो मोमेंट्री थोड़ा सा वकफा रिस्पाइट भी वकफे को बोलते हैं लेकिन रिस्पाइट का मतलब मोहलत भी होती है वक्त भी होता है आपको हम रिस्पाइट देते हैं और सांस लेना भी बोलते हैं जब हम अक्सर बोलते हैं यार मुझे साथ तो लेने दो तो फिर हम रिस्पाइट बोलते हैं एक मोहलत देते, देते हैं एक वकफा देते हैं ओवर दियर कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आप अगर फाइनेंस में ले आएँ तो उसका मतलब होता है तंगी दुशवार और अगर हम फिज़िकली ले आएँ तो उसका मतलब होता है पट्टों का जो है वो आ, अकड़ जाना कॉन्ट्रैक्ट हो जाना कॉन्ट्रैक्शन मतलब टाइटिंग टेंसिंग और दबाव में आ जाना टेंसिंग अगर हम ह्यूमिनिटी की तरफ ले आएँ तो मतलब टेंस श, आ, आ, टेंशन जिसे बोलते हैं टेंसिंग मोमेंट तंग दस्ती का वक्त और कमी का वक्त और आ, किसी साइज़ में कम होना श्रिंक में आना टाइटन हो जाना कंट्रैक्शन मतलब तंगी स्लिपेज स्लिपेज का मतलब होता है सरकना किसी चीज़ का किसी चीज़ का एक एज देना यानी खसका जिसे बोलते हैं जब बुनियादें बनाई जाती हैं मकान की तो दरमियान में बुनियादों के बाद जब मकान को ऊपर एलिवेट करना होता है मकान शुरू करना होता है बुनियादों के बाद तो फिर थोड़ा सा सरकना होता है नहीं कि खसका दिया जाता है दो इंच चीज़ का कोई लोग चार इंचेस का भी देते हैं तो खसका बोलते तो फाइनेंस में अगर हम इसको ये कहें तो गलत नहीं होगा कि ये कुछ पैसे एक्स्ट्रा तौर पे रख लिए जाते हैं किसी काम के लिए किसी खास पर्पज़ के लिए और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो होता है मुजाहमत मुजाहमत मतलब इख्तलाफ करना आगे से ऑपोजिट पोजिशन में आना लूम लार्ज लूम लार्ज का मीनिंग मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है जैसे अगर हम बोलते हैं ना ही इज़ एट लार्ज मतलब वो परेशान है तो लूम लार्ज का मतलब हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ अगर बढ़ावे में आ जाए और डराने के हद हाँ तक आ जाए अगर आपके ऊपर कुछ कर्ज़ा है और आपके आपने वो पे करना है एक बड़ी रकम आपके सामने वो बढ़ रही है तो वो लूम लार्ज हो रही है आपको डरा रही है यानी कि उसका साइज़ भी बढ़ रहा है और आप देख भी रहे हैं लेकिन वो आपको अपसेट कर रही है किसी चीज़ का ऐसा बढ़ना कि आप डर जाएं और वो आपके ऊपर वजन हो लेट्स रीड आउट वर्ड्स बट फर्स्ट वी मस्ट कम्प्लीट इट ओके मल्टी जैसे कि हम पहले लफ्ज पढ़ चुके हैं बाइलेटरल यानी दो तरफ़ा यानी सफ़ारती लेवल पे अगर दो लोगों दो ममालिक बात होती हो तो वो बोलते हैं बायो और कोई झगड़ा हो दो मुल्कों का तो बाइलेटरल और अगर दो से ज़्यादा हो तो मल्टी सिमिलरली सब्सिडीज़ एक ऐसी ऐसी हेल्प जो गवर्नमेंट करे या कोई बादशाह कर रहा हो अपनी आवाम के लिए अपनी कौम के लिए या ऐसा फ़ंड जो जमहूरीत की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से किसी ज़िम्मेदार को मिले वडेरे को मिले या किसी प्रोवाइडर को मिले जो प्रोवाइड करता हो फ़सलें जो बनाता हो काश्तकार को कि आपको इतनी सब्सिडीज़ दी जा रही हैं आपको इतनी रियायत दी जा रही है आपको इतने पैसे दी जा रहे हैं, आपका इतना कर्जा माफ़ किया जा रहा है उसको सब्सिडीज बोला जाता है अक्रू मतलब हासिल करना और अक्रूड का मतलब हासिल शुदा ऐस जो महसूल हो जो जमा हो कलेक्ट गैदर, मैस और अकोमलेट जमा करना अनकैनी ऐसी चीज़ जो फ़ितरती ना हो गैर फितरती हो गैर तबयी हो अ नेचुरल सुपर नेचुरल और यानी मोजाती ही हम कह सकते हैं substantial मतलब सही में असल में मानने के तौर पर कंसीडरेबल मटीरियल के तौर पर यही हम ये नहीं कह सकते एब्सट्रैक्ट नहीं होता वो वो एक मैस रखती है उसको हम जानते हैं और वाकई ही हम कह सकते हैं कि वो एक ठोस सबूत है सबूत के तौर पे वज़न रखने वाली सॉलिड साइजेबल और कंसीडरेबल जिसका तस्वर भी हो हमें आ, ये वही ग्राफ के ग्राफ के मायनों में हम कह सकते हैं द ट्रेंड इज़ इंक्रीजिंग सब्सटेंशनली द इंटरेस्ट ऑफ पीपल इज़ इंक्रीजिंग सब्सटेंशनली कंसिडरबली वेल लेट्स प्रोसीड टू रीड आउट द न्यूज़ दैट वी हैव ओवर हियर